close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. का मतलब निर्माण हुआ है, द्वापर युग से इस मंदिर की नींव रखी गई। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। यहाँ पर भगवान श्री स्वयं नागराज, श्री कृष्ण जो है नागराज के रूप में प्रकट हुए। हाँ जी, मान्यता ये है, कहा यह जाता है कि जब श्री कृष्ण भगवान महाभारत के युद्ध के बाद, मतलब जब उनका शरीर, मतलब मन शुद्ध हो गया था, तो उन्होंने कोई एक ऐसा एकांत स्थान सोचा मन में कि मैं जो हूँ एक जगह पर ऐसी तपस्या करूँ, ठीक है। तो वो मतलब उत्तर की दिशा में चलना शुरू किया उन्होंने। तो उत्तर की दिशा में जब वो हरि के हरिद्वार में पहुंचे, तो उन्होंने यहाँ सब देखा कि यहाँ सब शिव स्वरूप है। तो शिव स्वरूप है, तो वो भगवान शिव शंकर को मतलब अपने ईश्वर मानते हैं, और भगवान शिव शंकर जो है भगवान विष्णु को अपना ईश्वर मानते हैं, मतलब एक दूसरे के दोनों एक पूरक है। हाँ जी, तो उन्होंने भगवान श्री शिव शंकर से अनुमति ली कि जो है हम, मतलब मैं अब आपके ऊपर कैसे चलूं। हाँ जी, ठीक है, यहाँ तो सब शिव स्वरूप है क्योंकि पहाड़ है। तो उन्होंने कहा भगवान विष्णु श्री कृष्ण से कि आप जो है नाग रूप धारण कर लीजिए, नाग के पांव नहीं। हाँ जी, तो नागराज श्री कृष्ण भगवान मतलब जो है चलते चलते जो है फिर यहाँ उन्होंने एक ब्राह्मण रूप धारण किया। हाँ जी, ये पट्टी उपली रमोली गंगू रमोला की गढ़ भूमि कही जाती है। ये भूमि उन्हीं की भूमि है, ठीक है। प्रताप नगर ब्लॉक जो यहाँ तक पूरा ब्लॉक है, ये गणपति गंगू रमोला की भूमि हुआ करती थी। हाँ जी, फिर ये वहाँ यहाँ के राजा थे, तो जो 52 गढ़ हुए हैं उनमें से एक गंगू रमोला जी भी थे। हाँ जी, हाँ जी, उनसे इन्होंने जो है ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण भगवान ने गंगू रमोला से जगह मांगी थी। हाँ जी, तो फिर जो है जगह मांगने पर उन्होंने दी नहीं, क्योंकि हाँ राजा थे, तो एक राजा के अंदर एक अपना एक ईगो होता है, अपना एक अहम होता है, तो अपनी जमीन मतलब किसी कारणवश किसी मतलब जो है बेनिफिशियल, वो अपनी जमीन ऐसे देते नहीं है। तो जब उन्होंने अपने मतलब अपने कृत मतलब छल दिखाने शुरू किए भगवान नागराज ने, कभी मतलब जो है उनकी गाय भैंसों को जो है पत्थर बना दिया, कभी कुछ कर दिया, मतलब खेल खेलना शुरू कर दिया, कहीं से जो है भूस्खलन, कहीं पर मतलब जो है कहीं पहाड़ी मतलब जो है मतलब पूरा एक भूस्खलन। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने मतलब अपनी लीलाएं दिखानी शुरू की। तो अंत में उनकी भी पत्नी जो है मैनावती, हाँ जी, उनके सपने में भगवान नागराज जो है गंगू रमोला की पत्नी, हाँ जी, ठीक है, उनके सपने में आए और करके जो है मैं एक ब्राह्मण यहाँ मतलब आया हूँ, मेरे को आप जो है 9 हाथ 9 भी, हाँ जी, मतलब 9 बाय, अगर आप कह सकते हैं कि ऐसे करके 9 बाय 5 की जगह इन्होंने मांगी, ठीक है। हाँ जी, एक तपस्या करने के लिए ब्राह्मण रूप में। हाँ जी, हाँ जी, तो इन्होंने जब मैनावती को मतलब अपना सपने का पूरा वृत्तांत इन्होंने गंगू रमोला को बताया, हाँ जी, ठीक है, कि ऐसा ऐसा करके जो है वो ब्राह्मण नहीं, वो भगवान है, हाँ जी, साक्षात भगवान है। तो फिर इन्होंने भगवान नागराज को बहुत ढूंढा, लेकिन वो मिले नहीं। हाँ जी, तो भगवान मतलब गणपति गंगू रमोला ने जो है नागराज जब मिले नहीं, तो उन्होंने एक शर्त लगाई उनके साथ कि आप जो है यहाँ एक राक्षसी है, हाँ जी, आप उसका वध करें, हाँ जी, मैं आपको जगा दूंगा। हाँ जी, तो भगवान श्री कृष्ण जो है स्वयं जो है बहुत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज है, तो फिर उनकी मतलब जो है उन्होंने जो है एक राक्षसी से तुलना करके जो है ये एक ब्राह्मण क्या सकेगा इनसे, तो उन्होंने जो है उस राक्षसी को मार दिया करके जो है, तो फिर जो है गंगू रमोला को फिर जो है ज्ञात हुआ कि ये तो कोई जो है हटा सकती है। तो फिर जो है भगवान जो है अदृश्य हो गए, ठीक है। बहुत से इन्होंने मंदिर बनाए, बहुत से नहीं, 7 मंदिर बनाए इन्होंने, 6 मंदिर, 7वां मंदिर यही मंदिर है, ठीक है, 7 सेम करके है, कटा सेम, प्रकटा सेम, तलवला सेम, डुगडुगी सेम, 5वां धाम भी बोला जाता है, बारुणी सेम, उत्तराखंड का ये 5वां धाम माना जाता है। हाँ जी, ठीक है, उत्तराखंड कहा जाता है कि मतलब अगर पर्यटक 4 धाम घूम जाए और 5वां धाम नहीं गए तो मतलब उनकी
यात्रा अधूरी रह जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, एक वो मान कहने के लिए ये आधा से ज्यादा जो मतलब जो है ये जगत मिथ्या है ना। हाँ जी हाँ जी, मतलब एक दूसरे को फॉलो करना। हाँ जी हाँ जी, तो ये बातों से ही फॉलो होती है, कोई मतलब कथा कथित बातें नहीं। हाँ जी हाँ जी, भगवान नागराज यहाँ पर इसलिए इन्होंने तपस्या करने के लिए एक ऐसा स्थान इसलिए चुना कि भगवान काली क्या कहते हैं काली नाग जो थे, जब इन्होंने जो है समुद्र में नदी में जिनको मारा था। हाँ जी, तो काली नाग ने जब कहा कि भगवान मैं आपकी सेवा में मैं सेवा करना चाहता हूँ, मुझे आप अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करें, इन्होंने कहा कि उत्तर में जो है पुराणों में इस जगह का वर्णन है, उत्तर द्वारिका में जो है उत्तराखंड में जो है यहाँ का नाम है रेवाखंड में, यहाँ आपको जो है मैं वहीं मिलूंगा आपको, आप वहाँ जाकर अपना स्थान रखें। तो जो यहाँ आए तो फिर जो है यहीं उनका भगवान मतलब कालिया नाग के ऊपर जो है नृत्य किया था, तो यहीं उनका दोबारा जो है संगम हुआ था। अच्छा। तो अंत में जब मैनावती को जब मतलब जो है भगवान जब सात मंदिर छह मंदिर जब टूटे तो सातों मंदिर उन्होंने जो है मतलब भगवान नागराज से उन्होंने फिर प्रार्थना की श्री कृष्ण से, तो उन्होंने कहा ये भगवान हमने इतने मंदिर बना दिए सब जो है नष्ट हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि दो पेड़ों के बीच में दो पत्थरों की शिला के बीच में जहां पर होगा वहां पर मेरे मंदिर का निर्माण कर देना, वहीं पर मेरी शिला का निर्माण कर देना, और वहीं पर ये दो पेड़ दो पत्थर मतलब भगवान शेषनाग का फन है जहां पर वहां पर जो है मेरी नींव रख देना मंदिर बनवा देना, ठीक है। हाँ जी, तो भगवान श्री कृष्ण ने मैनावती को वरदान के रूप में दो पुत्र भी दिए, सिद्धवा और वेदवा रमोला, वो आशीर्वाद स्वरूप ही उनके जो है दो पुत्र। ऐसा करके जो है ये यहाँ के बारे में ऐसा, ये पीछे मूर्ति मतलब किस चीज की? रंगू रमोला जी। अच्छा, रंगा रमोला जी की ये भूमि है और यही बाद में ये राजा के अंडर में चले गए, लेकिन ये भूमि इन्हीं की है। अच्छा, चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रमणीय स्थल कहा जाता है। हाँ जी, नागराज आचरियों के साथ परियों के साथ कभी उनको बांसुरी से मोहित करते हैं, कभी नृत्य से। हाँ जी हाँ जी, ये ऊपर शतरंज सेम है। हाँ जी, यहाँ उनकी घोड़ी है सफेद घोड़ी की, मतलब पैरों के निशान है। हाँ जी हाँ जी, यहाँ ऊपर यहीं पीछे जो है वो जो मैं राक्षसी का वो कह रहा था एक बहुत बड़ा पत्थर भी है। हाँ जी हाँ जी, और वही आचरी और परियों की पूजा की जाती है। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। हाँ जी, गढ़वाल की एक पुरानी सभ्यता का एक प्रतीक है। हाँ जी, और आना चाहिए जैसे हमारा गढ़वाली कल्चर है। हाँ जी हाँ जी, उसको बहुत मायने रखता है। हाँ, यहाँ पे एक्चुअल में काम बहुत है करवाने के लिए, जैसे रास्ता है, रास्ता सही होना चाहिए। हाँ, रास्ता मतलब थोड़ा उबड़ खाबड़ है। हाँ, काफी दूर है जो चढ़ाई है। हाँ जी हाँ जी, तो टूरिस्टों को जैसे भी जो भक्तगण है। हाँ, तो नीचे से मतलब कितने किलोमीटर होगा ऊपर जाने के लिए, ऊपर आने के लिए? यार 2 किलोमीटर होगा चढ़ाई, होगी खड़ी चढ़ाई है। हाँ जी, खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। हाँ, सीधा सीधा आड़ा सीधा खड़ा खड़ा। हाँ जी हाँ जी, और कुछ बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? बस मैं तो बोलना चाहूंगा अभी अपने जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं, आओ यहाँ दर्शन करो सेम नागराजा के। और उत्तराखंड का नाम सुनते ही मतलब अंदर से कुछ होता है, देवभूमि देवभूमि है उत्तराखंड, इसके कारण एक सीधा बनाई जाता है। हाँ जी हाँ जी, उत्तराखंड के लोग होते हैं। चलिए बढ़िया, आप कौन से गांव के? वैसे हम वैसे पुजार गांव के, ऐसा पुराना साइड की है। चलो बढ़िया है, आपसे मिलके अच्छा लगा। चलो टीका देखो पहले, मतलब टीका देखो भाई, एक ब्लैक का एक रेड है। ब्लैक वहाँ पर हुआ जहाँ पे हवन हो रहा था, और रेड वाला वहाँ पे जहाँ पे प्रसाद वगैरह चढ़ाया है। मजा आ गया भाई, वैसे सेम लुक मंदिर बहुत अच्छा है, बहुत दिखने में भी बहुत अच्छा है। गाइस कोई पता नहीं है हमारे पैरों के क्या हाल हो गए, बहुत बुरे हाल है, हम अपने पैरों को महसूस नहीं कर सकते, सारे नंगे पैर चल रहे हैं। पैर तो
हम अपने पैरों को महसूस नहीं कर सकते, हमारी उंगलियां सूजने वाली है। खतरनाक, बिल्कुल आप सब देख सकते हैं हम नीचे आ गए और अब हम सब खाना खा रहे हैं बैठ के। ये देखिए, ये देखो, यहाँ देखो। तबना दीदी कैसा बना है खाना, इधर देखो बताओ। ऑसम है, ऑसम है। आशु खाना कैसे बना है? तो गाइस अब हम भी खाना खाने चलते हैं, मिलते हैं आपको बाद में। बाय बाय गाइस।